चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको पूरी खबर दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, जहां आज चित्रकूट धर्मनगरी पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई मंदाकिनी नदी पर डुबकी और तरह तरह के लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुंचे हैं चित्रकूट धर्मनगरी। कई प्रांतों के लोग आए हुए हैं चित्रकूट धर्मनगरी, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने चित्रकूट मंदाकिनी नदी पर लगाई डुबकी। अमावस्या पर्व पर लोगों ने लगाई पुण्य की डुबकी। चित्रकूट में प्रातःकाल 4 बजे से ही प्रीत मोक्ष और पुण्य लाभ लेने के लिए लोगों ने किए मंदाकिनी गंगा स्नान दान। पितृपक्ष या पितर पक्ष 16 दिन की ही वह अवधि है जिसमें हिंदू लोग अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके लिए पिंड दान करते हैं। इसे 16 श्राद्ध, महालय पक्ष, अपर पक्ष आदि नामों से भी जाना जाता है। सोमवार और मंगलवार दोनों दिन सर्व पितु अमावस्या मनाई जा रही है। ट्रेनों में भी भारी भीड़ चल रही है, आप ट्रेनों में भी देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। करबी चित्रकूट स्टेशन, जहाँ चित्रकूट एक राम तपोभूमि, इस समय जहाँ लोग दूर दूर से कई प्रदेशों से लोग आते हैं, अमावस्या के 4 दिन पहले से चालू हो जाता है भीड़ का आना, 4 दिन बाद तक चलता है भारी भीड़ मेला अमावस्या, जहां लोग हफ्तों रह करके दर्शन करते हैं और चित्रकूट धर्मनगरी का आनंद लेते हैं। चित्रकूट धर्मनगरी एक पर्यटक स्थल बन चुका है, इसमें से बहुत कईयों सालों से चला आ रहा है। लोग परिक्रमा भी कामतगिरी की लगाते हैं, लोग 50-50 किलोमीटर से पैदल चल कर आते हैं अपनी अपनी श्रद्धाओं को लेकर। आप हमारे वीडियो पर देख सकते हैं किस प्रकार से लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, भारी भरकम भीड़ है और किस प्रकार से कामतगिरी मुख्य द्वार पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, और देख सकते हैं किस प्रकार से लोग मंदाकिनी पर डुबकी लगा रहे हैं। ये दिन पितरों को विदाई देने का दिन है। 9 अक्टूबर दिन मंगलवार को दिन में 9 बजे से 10 बजे तक ही रहेगी, इसके बाद शुरू हो जाएगा महालय। महालय बंगालियों का एक ऐसा पर्व है। कल चले हैं सुबह।